वेलकम बैक नाजरीन। और मैं असल में बड़ी हो गई थी, मैंने कितना टाइम है मुझे ये निकालने में, इतनी एक्साइटेड होती हूँ जब मेरे हाथ में बोल आता है ना, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा जी, इन्फ्लुएंस पे बात हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक म्यूज़िक होती है ना, इंडियन होती है ना पाकिस्तानी होती है। हम बेचारे म्यूज़िक की जब बात आती है तो हम इंडिया को वो करना शुरू आते हैं कि जी इंडियन म्यूज़िक इन्फ्लुएंस कर रही है। तो म्यूज़िक ना इंडियन होती है ना पाकिस्तानी, म्यूज़िक तो म्यूज़िक होती है, जिसी तरह पेंटिंग ना इंडियन होती है ना पाकिस्तानी। पूरी कायनात के अंदर म्यूज़िक है। हाँ, पूरी कायनात में। हाँ, आप कभी साहिल समंदर पर जाके चुपचाप बैठो और लहरों की आवाज़ सुनो, सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाट सुनो, हवा जब चलती है और पत्ते और दरख्त जब झूमते हैं वो आवाज़ सुनो, तो म्यूज़िक तो पूरे कायनात में मौजूद है। मसला हमारा ये है कि हम बाज़ म्यूज़िक में बाइस्ट है, तासुब पसंद है हम। जहाँ कोई चीज़ अच्छी हो, कहीं से भी हो, वो आप ले सकते हो अगर आपको फायदा पहुंचाती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर नादिया सेवक लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज, मैं नादिया बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नादिया। सर मैं आपकी रेकी की सी लेवल की 41, 42 एंड सिल्वा की जो हूँ स्टूडेंट हूँ मैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी चीजें की हैं। जस्ट अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ यू। और मैंने टच टाइम लोगों को इम्प्रेस किया है अपनी फैमिली में, जो आपकी सारे पॉजिटिव थिंकिंग्स थी। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच आदि आपकी कॉल का। अच्छा बात अगेन, यू नो हमको मसला ये हमारे साथ ये है कि सर कल शैतान की भी एक कॉल आई, तो शैतान की तो कॉल ही नहीं, शैतान की क्या कह रही हो, या सब की कॉल थी शैतान की, हमारे शैतान की कॉल। शैतान के पास हेल टीवी का नंबर नहीं है और वो कर भी नहीं सकता। अच्छा, याया साहब की कॉल आई थी शैतान के ऊपर, लेकिन हम अपनी देखिए चॉइस इज ऑलवेज आर्स। तो जब शैतान इन्फ्लुएंस करता है इवेंचुअली चॉइस इज आर्स। तो डू यू थिंक शैतान इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अस और आर बिलीव? बस स्ट्रॉन्गर की नहीं है। इंसान के अंदर बहुत सारे पीसीज हैं, इंसान बहुत सारे पीसीज से बनता है, ठीक है, जैसे जिक्सो पजल होता ना। हाँ। बहुत सारे पीसीज हैं, कुछ एरियाज और कुछ पीसीज इंसान के वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। जहाँ इंसान का वीक पॉइंट होता है, शैतान वहीं के ऊपर अटैक करता है, वहीं वसवसे डालता है। चलो ये वसवसे और ये बाकी सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा बोल और इसके अंदर आपके नाम तो हम निकालेंगे। पहला वाउचर रेकी का वर्कशॉप जो लाहौर में हो रहा है ऑन द 5th of May इन होटल सनफोर्ट, पहला वाउचर जो निकलेगा वो रेकी का निकलेगा। शाम को 5 बजे भी बता दो। हाँ, शाम 5 बजे यस। ये रेकी तुम निकालो, हमारा फेवरेट है। नहीं नहीं, जो भी निकलेगा वो उसको पता चलेगा, डॉक्टर मुझे निकालेंगे। मैं पढ़ती हूँ नाम, अल्लाह करे जिसका भी निकले उसको जरूरत उस चीज की। मैं पढ़ूंगा, पढ़ती मैं हूँ, पढ़ती तो मैं हूँ। अच्छा जी, फिजा लाहौर से, मेरा आपका पहला वाउचर, आप रेकी लेवल 1 कर सकती हैं विच इज़ वर्थ 6,500। दूसरा 4 Dimension लेवल 1 का वाउचर देखते हैं, और ये हो रहा है 6th May को लाहौर होटल सनफोर्ट में, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। माइंड पावर का वर्कशॉप है। ये तो एक तो उसका मुंह बड़ा छोटा है, या मेरे हाथ मोटा हो गया। ये वाउचर के चक्कर में रब्बा नजर आ रहा है। ये बड़ा अजीब गरीब वाउचर है भाई। हाँ, ये है, बड़ी मुश्किल साथ निकला मेरा। किसका होगा आप बताएं मुझे। एक साहब की खुदा गवाह बड़ी ख्वाहिश थी उसको। किसकी? गुजरावाले का। उन्हीं का है, मोहम्मद अकरम साहब का, गुजरावाला से खुदा गवाह आपका निकला है। कांग्रेचुलेशन। और आप लोग प्लीज आइएगा वर्कशॉप के अंदर, जरूर अटेंड करिएगा। It is, you know, a pleasure. See, will be seeing you there. और इसके अलावा जिस तरह घर की लड़ाइयाँ हम पे इन्फ्लुएंस करती हैं, उसी तरह जो मीडिया पे आजकल लोग लड़ते जा रहे हैं और लड़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो हम बेचारे शहरियों पे बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं। उनकी लड़ाइयाँ सुन सुन के, उनकी लहजा गुफ्तगू सुन सुन के हम बड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखें जो लोग मीडिया पे आते हैं। शायद मैं बहुत छोटी होंगी इस बात को कहने के लिए, बट स्टिल what you say really influences us and it really messed up our mind, so please don't do that. और music music होता है ना, Indian होता है ना पाकिस्तानी होता है, तो choose करें क्या सुनना है, बेचारे सिर्फ पड़ोसियों को ना blame करते रहे। no, over to you. बहुत शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, इन्फ्लुएंस पे जब हमने डिसाइड किया, इनफैक्ट कि इन्फ्लुएंस का टॉपिक जो था ये आसिफ साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब की सिफारिश पे हुआ और बड़ा अच्छा टॉपिक था। जब हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया तो मैं और रूज सोच रहे थे कि हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, कंटेंट बहुत है हमारे पास,
अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारे व्यूअर्स जो हैं क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे? आज मुझे हैरत हुई, हमारे व्यूअर जो है वो माशाल्लाह इतना बाशऊर हो चुका है, इतना इल्म मिल चुका है उसे कि वो इतनी ज़्यादा बातें कर सकता है इन्फ्लुएंस के ऊपर। अभी जो मैं बात करने वाला था, मैं चाहता हूँ कि बच्चे बैठे हों आपके क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 के, और नौजवान बैठे हों। अगर आज नहीं बैठे तो बराए करम ये प्रोग्राम रिपीट होगा सैटरडे को, सैटरडे रात को 9 बजे, मेक श्योर के वो बैठे हों, या फिर कल दोपहर 12 बजे, क्योंकि ये जो बात बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बिलखसूस नौजवान और बच्चों के लिए। एक गांव में, गांव से ज़रा बाहर, बहुत ही खूबसूरत घर था, वहाँ एक दादा और उसका पोता रहता था, और बड़े खुश थे वो। दादा रोज़ सुबह कुरान पाक की तिलावत करता, तो पोता भी कुरान पाक पढ़ता। छोटा सा था वो बच्चा, था 7-8 साल की उसकी उम्र होगी। एक दिन अपने दादा से कहता है कि दादा, जब मैं कुरान जितना भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे जहन से तो उतर जाता है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कुरान पाक में है क्या। तो इसका कोई फ़ायदा है कि मैं कुरान पाक तो पढ़ता हूँ, आपकी तिलावत भी सुनता हूँ, समझ में मुझे कुछ नहीं आता, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? इसका असर तो होता नहीं मुझ पर, तो क्या फ़ायदा है सिर्फ पढ़ने का? दादा उस वक्त जो है वो एक टोकरी थी उनके पास, जूट की बनी हुई, चटाई की बनी हुई, उसमें वो बाहर से कोयला लेके अंदर आते थे, और वहाँ पे उनका जो फायर प्लेस था वहाँ कोयला जलाते थे। तो वो थैली उन्होंने बास्केट उठाई और अपने पोते को दी कि बेटा जाकर पानी भर के ले आओ नदी में से। अब वो पोता गया, खुशी खुशी पानी भरा। अभी तो पानी भर के 4 कदम चला है तो वो पूरा पानी निकल गया, क्योंकि उसमें सुराख होते हैं, जिस बास्केट के अंदर कोयला ले जाते हैं वो तो सुराख होते हैं छोटे छोटे। खैर घर पे आया, दादा से कहा, दादा ये तो पानी गिर गया। उसने कहा वापस कोशिश करो, वो वापस गया। अब उसने सोचा मैं अगर तेज़ दौड़ के पहुंचूं तो शायद थोड़ा पानी पहुंचा सकूंगा। उसने पानी भरा, तेज़ी से दौड़ा, आधे रास्ते में पानी ख़त्म, फिर दादा के पास आया। दादा ने कहा एक काम करो, अब और ज़्यादा तेज़ दौड़ना तुम। उसने जी गया, पानी भरा, जैसे ही पानी भरा ना, उसने कहा अब तो मैं कोशिश करूँगा। कोशिश की, घर से कुछ फासले पहले बास्केट खाली हो गई। बार बार करता रहा, आखिर थक गया। दादा के पास आया, दादा ये देखें इसमें पानी कैसे ला सकता हूं, मैंने बड़ी तेज दौड़ लगाई मगर घर पहुंचने से पहले पूरा पानी निकल जाता है, क्योंकि इसमें नन्हे नन्हे सुराख हैं। तो दादा ने कहा बेटा जरा गौर से देखो इसको, इस बास्केट को, जब तुम लेके गए थे ये काली थी, क्योंकि कोयला इसमें लेके आता हूं मैं, तो कोयले का रंग इसके ऊपर था। अब देखो, बच्चे ने बास्केट देखी, काफ़ी हद तक साफ हो चुकी थी। बच्चे को समझ में नहीं आई पोते को, तो फिर दादा ने समझाया कि देखो बेटा, तुम पानी भर के जब लाने की यहाँ कोशिश करते हो, तो जितनी मरतबा पानी में बकेट जाती है या बास्केट जाती है और फिर निकलती है तो साफ होना शुरू होती है। जितनी मरतबा पानी भरोगे इतना ये बास्केट साफ होती जाएगी। तो कुरान समझ में आए या ना आए, जितनी मर्तबा पढ़ोगे उसका तुम पर असर होता है, तुम्हारे जहन पर असर होता है। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि तर्जुमे के साथ और सूझबूझ के पढ़ा जाए, मगर अगर किसी वजह से उम्र कम है, नहीं समझ में आता, तो सिर्फ कुरान पाक पढ़ना और उसकी तिलावत भी वो बहुत सारी कालियों को, कालास को, मट्टी को, गंद को, बला को हमारी जिंदगियों से, हमारे जहनों से साफ करती है, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत और कुरान पाक की सूरह, कुरान पाक के अल्फाज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये याद रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा कि वो इस चीज़ पे अमल करें, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदा।